अगर अपना प्रोफाइल अप्रूवल होता है लोन के लिए तो भैया 5,000 तो मिल ही जाएगा और मैक्सिमम 1,00,000 का भी लोन मिल सकता है, समझ रहे हो ना भैया। लोन चाहिए बैंक पर विजिट कर लिए हो लेकिन बैंक वालों आपको बता दिया बात में आइयो हम आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि आज क्या इस वीडियो पर मैं आप सबको बताऊंगा, अगर आप लोग एक सैलरीड पर्सन हो और अपना सैलरी बहुत ही कम है वही 11-12 हज़ार के रेंज पर, उस स्थिति में आप लोगों को लोन कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है अगर हम बैंक पर विजिट करते हैं लोन के लिए और हमारे पास जॉब का एक्सपीरियंस अगर बहुत ही कम रहता है, मतलब वही 2-3 साल, और उस केस पर हमारा अगर सैलरी 12,000-13,000 होता है तो बैंक वाला कहते हैं ससुरा बाद में आइए हम आपको लोन नहीं देंगे, और NBFC पर अगर हम विजिट करेंगे वही ऑफिस वाला जो NBFC होता है ना, ऑनलाइन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस जगह से भी रिप्लाई आएगा बाद में आइए हम आपको लोन नहीं देंगे। तो जिनका सैलरी 10-12 हज़ार है उन लोगों को क्या लोन नहीं मिलेगा, इसका आंसर है भाई मिल जाएगा, कैसे मिलेगा आगे मैं आप सबको बताऊंगा। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से और एक नया वीडियो पर स्वागत है, मेरा नाम है तरुण राज और हमेशा हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों सबसे पहले ही मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करते करते देखते हो बाद में आप लोगों का ही प्रॉब्लम होता है। सो इस जगह पर हम कवर कर रहे हैं जिनका सैलरी 11-12 हज़ार के रेंज पर है वो लोगों को लोन कैसे मिलेगा, बैंक से तो मिलेगा नहीं, अगर NBFC ऑफिस विजिट करेंगे उस जगह से भी मिलेगा नहीं, तो भैया उन लोगों को पर्सनल लोन कहाँ से मिलेगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, नीरा फाइनेंस, ये एक एप्लीकेशन है, मतलब आप लोगों को बैंक का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा, NBFC ऑफिस पर भी जाना नहीं पड़ेगा कि भैया लोन दे दो हमको लोन का ज़रूरत है, ससुरा लोन दे दो ना यार पैसा का ज़रूरत है, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। मोबाइल है मतलब प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड होगा तो, और जिनके पास एप्पल है उनका लोन का ज़रूरत नहीं होगा, और होगा तो बैंक से मिल जाएगा क्योंकि वो लोग हाईफाई व्यक्ति होता है, और हम गरीब है उतना सैलरी नहीं है, एंड्रॉयड है मतलब प्ले स्टोर है, और जब प्ले स्टोर है तो भैया जिंदाबाद है लोन आपको मिल भी सकता है। सो एप्लीकेशन का नाम है नीरा फाइनेंस, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस लिंक से ही आप लोग ऐप्स को इंस्टॉल कीजिएगा, इससे भाई मेरा बेनिफिट बनेगा, ठीक है मैं खुल्लम बता देता हूँ। इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार का है, मोबाइल के माध्यम से ऐप इंस्टॉल करते हुए ऑनलाइन आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा 24% मिनिमम एंड मैक्सिमम 36% तक जा सकता है सालाना, ओके। प्रोसेसिंग फी ₹350 प्लस अलग से GST लागू होगा, और मैक्सिमम जो कि है 2% लग सकता है जितना अमाउंट का लोन होगा, और इसका जो लोन मिलने का चांसेस है अगर अपना प्रोफाइल अप्रूवल होता है लोन के लिए तो भैया 5,000 तो मिल ही जाएगा और मैक्सिमम 1,00,000 का भी लोन मिल सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब जिनका सैलरी वही 11-12 हज़ार है उन लोगों को 1,00,000 तक का पर्सनल लोन दे रहा है ये नीरा फाइनेंस ऐप, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी किसी को लोन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक डिस्क्लेमर है जो कि मैंने देखे रखा हूँ और वीडियो का स्टार्टिंग पर मैं शो करवा दिया हूँ, ठीक है ना। सो अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो भैया अगर अपना एज 18 साल है तो भाई जिंदाबाद है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है ना जिन लोगों को 18 साल में 19 साल में ही जॉब मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस पर देखा जाता है लोन के बारे में कि भाई आपने 21 साल है तब जाके आपको लोन मिलेगा, लेकिन नीरा फाइनेंस 18 साल वाले को भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब एज का जो रेंज रखा गया है 18 साल से लेके 55 ईयर के अंदर, और ये जो लोन मिलेगा सैलरीड पर्सन को, मतलब अपना सैलरी जो कि है मिनिमम 11,000 होना चाहिए, और भाई ये 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस तो लगेगा ही, साथ में पिछले 3 या फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इतना क्या कुछ है, अच्छा बैंकिंग है, और भाई आधार पैन कार्ड अपना थोबड़ा, तो भाई आप एलिजिबल हो, अप्लाई करके देखिएगा। अप्लाई करने के बाद अपना लोन अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है या फिर क्या कुछ चीज़ें होता है आप लोग मुझे बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भाई अगर आप लोग मुझे बताते हो अपना स्थिति कि अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, मतलब ये चीज़ें, तो मुझे एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। और अभी हम एक बार विजिट कर लेते हैं प्ले स्टोर को, यह है एप्लीकेशन जिसका नाम है नीरा लोन ऐप फॉर इंस्टेंट लोन,
मैंने जो चीज़ें बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, सब बिल्कुल सेम टू सेम इसके अबाउट सेक्शन पर लिखा हुआ है। कितना लोन मिल सकता है ये भी अबाउट सेक्शन पर लिखा हुआ है, मतलब मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है। पूरा का पूरा चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भाई RBI से कनेक्टेड है, मतलब इन लोगों का जो NBFC है ना वो RBI के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब जैसी भी हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, RBI के साथ ये कनेक्टेड है। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलेंगे इस पकड़ का नया संदेश और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।